आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने किया अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन। भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के नेतृत्व में आज सैकड़ों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मुखर्जी उद्यान से कलेक्ट्री तक नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आंगनबाड़ी कर्मियों को स्थायी घोषित करके उन्हें पेंशन ग्रेच्युटी दी जाने और न्यूनतम वेतन 18,000 के साथ ही आंगनबाड़ी कर्मियों से 100% महिला पर्यवेक्षक एनटीटी टीचर बनाए जाने की विशेष मांग की। इस अवसर पर महिलाओं ने मौजूदा प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। भीलवाड़ा से नव भारत समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी की रिपोर्ट। हम आज एक दिन का धरना यहाँ कलेक्टर साहब के बाहर दिया है। गहलोत साहब को कई बार चेताया कि हमको कुछ दे दो, पर इन्होंने कुछ नहीं दिया। 23 दिसंबर को जयपुर में विशाल रैली थी, 27,000 आंगनबाड़ी की बहनें पहुंची, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं दिया। उन्होंने बजट का झांसा दिया कि परसों बजट है, कल परसों जब भी हम बजट में कुछ देंगे। अगर जीने लायक अच्छा मानदेय दिया तो वेरी गुड, और अगर 10%, 20% और 30% दिया तो गहलोत सरकार मुर्दाबाद। और हम केंद्र बंद करने हैं, भूख हड़ताल पे बैठना है, केंद्र खुले रख के काम का बहिष्कार करना है। ये सब हम करेंगे, गहलोत साहब को चेताएंगे। और ये देख लो, एक कार्यकर्ता 200 वोट बिगाड़ सकती है। आप देख लीजिए, आंगनबाड़ी की राजस्थान में 65,000 बहने हैं और एक केंद्र पे 2। आप समझ जाइए, अगर कुछ नहीं किया आप रोड पे आ जाओगे। वसुंधरा जी ने नहीं किया, वो रोड पे आ गए, आप भी नहीं करोगे तो रोड पे आ जाएगी। ये चेतावनी गहलोत सरकार। नाम राधा शर्मा, प्रदेश महामंत्री, राजस्थान आंगनबाड़ी कर्मचारी महासंघ जयपुर। ये मजदूर संघ से संबंधित आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ भीलवाड़ा ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर एक ज्ञापन आया कलेक्टर साहब के द्वारा प्रेषित किया है। मुख्य मांग उसमें केवल एक है कि आप हमसे 36 तरह के काम ले रहे हो, हमको उसका गम नहीं, काम हम करेंगे, लेकिन उसके अनुरूप हमारा दाम भी होना चाहिए, दाम भी बढ़ना चाहिए। और इसके अलावा बरसों से जो हमारी एक मांग चल रही है, और आपने वादा भी किया था जब कांग्रेस सरकार नहीं बनी, आपके इस घोषणा पत्र में है कि हम इन आंगनबाड़ी कर्मियों को या मानदेय कर्मियों को हम परमानेंट करेंगे और इनको सम्मानजनक वेतन देते हुए इनका हम मान मर्द करेंगे। अब सवाल इस बात का कि सम्मानजनक, आज मिनिमम वेजेज 18,000 रुपये, तो 18,000 मिलना चाहिए। जब तक आप इस तरह नहीं करते हो, आप कोई योजना ला रहे हो तो आपको वो योजना इनके साथ बैठ करके टाई अप करके इनके अनुरूप बनानी चाहिए। आपने आंगनबाड़ी केंद्रों को पाठशाला का नाम भी दे दिया, प्राथमिक शिक्षा का नाम भी दे दिया, और आज भी कार्यकर्ता को बेचारी कार्यकर्ता, अभी कलेक्टर साहब से हमने यही निवेदन किया, उन्होंने खुद अप्रिशिएट किया कि मैं मानता हूँ आंगनबाड़ी का काम बहुत है। तो जब काम बहुत है तो फिर उसके अनुरूप हमारा सम्मान भी होना चाहिए, मानदेय भी होना चाहिए, और आपके घोषणा पत्र के अनुसार जो आपने वादा किया वो वादा पूरा आप करें, अन्यथा आगे हम इसको और अधिक उग्र आंदोलन करेंगे। केंद्र बंद करना होगा, 5-5 दिन तक कलेक्ट्रेट के बाहर बैठना होगा, विधानसभा के बाहर भूख हड़ताल करना होगा, ये सब आंदोलन हम करेंगे। इसी निमित्त आज हम यहाँ भीलवाड़ा जिले की सैकड़ों बहनें आपके सामने उपस्थित। नाम प्रभास चौधरी, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ और संरक्षक भारतीय आंगनबाड़ी।